हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भरत वाइग रिएक्ट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड खूब सारे मजे कर रहे होंगे गाइस। सो वेलकम टू द न्यू रिएक्शन एंड न्यू एपिसोड ऑफ भरत वाइग रिएक्ट्स एंड थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले तो अपना इतना सारा प्यार दिखाने के लिए मेरे सारे रिएक्शंस पे, मेरे सारे वीडियोस पे एंड खास करके लास्ट वीडियोस पे भी। इसी के साथ आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो अभी तीन दिन पहले फाइनली हमारी लाइक मोस्ट अवेटेड मूवी गदर 2 का गाना उड़ जा काले कावा इज फाइनली आउट हेयर। एंड मैंने ये ऑडियो तो सुना है बट वीडियो अभी तक मैंने इसका देखा नहीं है। तो काफ़ी सुनने में आ रहा था कि काफ़ी अच्छा बना रखा है एंड काफ़ी लाइक ओल्ड वाइब को मेंटेन करके बनाया है और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मेरे को देखने को मिल रहे थे। सो उसी के चलते मैंने देखा फाइनली आज इसका वीडियो रिएक्शन करता हूँ, वीडियो रिएक्ट करता हूँ। एक्चुअली कुछ काम में बिजी था, शोज वगैरह चल रहे थे तो उस पर बिजी था थोड़ा, तो उस वजह से रिएक्शन नहीं बना पाया। बट फाइनली अब मैं इसको देखने वाला हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर बटन दबा दो ताकि आप कोई भी नया रिएक्शन मिस ना करो, बिकॉज मैं आप लोगों को ऐसे अमेजिंग करेंगे रिएक्शन एनालिसिस और बहुत ही फन तरीके से लाइक वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो जाके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो गाइस, थैंक यू सो मच। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और ये गाना जो है अभी तीन दिन पहले आया और विद इन 3 days 32 million व्यूज क्रॉस हो चुके हैं और ट्रेंडिंग पे चल रहा है गाना, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। और सबसे कमाल की बात ये है कि बॉलीवुड ने पहली बार, मतलब काफ़ी टाइम बाद, उनको कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि ये गाना जो है ओरिजिनल सिंगर जो थे गदर 1 मूवी के, इस गाने के उड़ जा काले कावा के, उदित नारायण जी एंड अलका याग्निक जी, उन दोनों से ही ये गाना भी गवाया है। यानी ये मतलब उतने टाइम बाद भी ये गाना, मेरे को लग रहा था कि शायद ये गाना किसी और से गवाए बिकॉज आजकल काफ़ी सारे सिंगर है, बट नहीं, ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक जी का ही था एंड मिथुन का म्यूजिक है ऑफकोर्स। सो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको सुनने के लिए और इसको देखने के लिए, क्योंकि उदित नारायण जी और अलका याग्निक इज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर, लाइक मतलब वो लेजेंडरी है अपने आप में। सो उनका ये गाना सुनने के लिए वापस से उनका रिक्रिएशन का लाइक वीडियो मैं देखना इज समथिंग जो कि बहुत ही मज़ा आएगा। एंड वापस से सनी देओल पाजी और अभिषेक पटेल को साथ में देख के लाइक आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू वॉच दिस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके लेट्स गो। एक्चुअली मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है तो सॉरी। ओके ओ हो उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। ओह माय गॉड। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। क्या आवाज है भाई। उड़ जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बाहों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां गया। भाई बहुत अच्छा करा कि उदित जी से ही ये गाना गवाया। लिसन टू दोज वोकल्स, कोई चेंज नहीं, वही फीलिंग और वही, मतलब ये गाना किसी और की आवाज में लाइक आई कांट एक्सपेक्ट, बट गाएंगे तो ऑफकोर्स अच्छा गाने वाले सिंगर्स हैं, बट उदित जी इस अल्टीमेट, लाइक क्या ही बोलो मैं। वापस वो मेरे को ना पूरा पुरानी जब फर्स्ट मूवी देखी थी मैंने तब की मेमोरीज याद आ गई मेरे को, इतना प्यारा लग रहा है। एंड वो जो स्टार्टिंग में जो मेन मेलोडी है वो, ओहो क्या बात है यार, इसी से तो इस गाने की पहचान है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अल्टीमेट वॉइस यार, एंड बहुत ही अच्छा है कि मॉडर्न म्यूजिक के साथ थोड़ा सा प्रोसेसिंग, अब तो अच्छे गियर्स एंड अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि और भी, जिससे कि आवाज़ और भी अच्छी आती है और उसके साथ इसको सुनना और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब रिक्रिएशन तो ऐसा नहीं कि अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बिगाड़ा है, प्रॉपर सॉन्ग चल रहा है जैसा होता है सॉन्ग और जैसा था ओरिजिनल। इस पर कुछ रीमेक या कुछ ऐसा नहीं रिमिक्स कर रखा है जो कि बहुत अच्छी बात है। नाइस, लेट्स सी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। क्या बात है, बाहों में फिर क्या बात है यार, पड़ गए पक गया मिठियां गया। ये छोटी सी जिंदगी तेरा कलम घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। नाइस नाइस, बहुत खूब। भाई मेरे को पुरानी वाइब वो जो थी ना गदर की, वो फील हो रही है आज। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो पुराने पे फर्स्ट मूवी का सीन। ओ माय गॉड, वो रिक्रिएट करना, क्या बात है यार। बिछड़े मीतों का सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीतन बहुत प्यारा यार। दिल की फरियादें ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदगी। क्या बात है, ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओह ओह, Guys, काफी टाइम बाद कोई बॉलीवुड का गाना सुन के मुझे इतना ज्यादा खुशी और इतना ज्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई लाइक नया गाना सुन रहा है, फिर कुछ रिमिक्स सुन रहा है, फिर हो रहा है। उस गाने को मिथुन ने इतना अच्छा मॉडर्न टच के साथ ही देखो कितना प्यारा बना रखा है, राइट? क्योंकि वो ओल्ड वाइब जो है ना वो जाननी चाहिए, वो ओल्ड है, वो जो ओरिजिनैलिटी है सॉन्ग की, इस सॉन्ग की ऊर्जा का लेगा बाकी वो जाने नहीं चाहिए, एंड वो मेंटेन करके रखे गाने में ओ थ्रू आउट। एंड अलका याग्निक जी का भी पार्ट होगा इसमें, बट ये अभी नहीं है, मूवी में आएगा ये, ऑफकोर्स मूवी जब वो जो फुल सॉन्ग है उसमें है ये पार्ट। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्या गाना हो रहा है भाई। मतलब जब मेरे को याद है जब फर्स्ट गदर आई थी तो हम लोग इतना गाते थे, बींग ए सिंगर हम भी शोज वगैरह में गाते हैं गाना, एंड ये वन ऑफ द इतना फेमस सॉन्ग है अपने आप में, इसकी मेलोडी, इसका सब कुछ, एंड जिस तरीके से गाया होती नारायण का याग्निक देव बार लेजेंड, लाइक उनके वॉइस का कुछ जवाब नहीं, इतनी हैप्पी वॉइस होती नारायण जी की, जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कि इतनी हैप्पीनेस, इतनी रिफ्रेशिंग वॉइस है। आई एम रियली बिग फैन ऑफ दैट, और हम सीखते हैं ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स को देख के। सो मैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया उर्जा का लेकर, और वही पुरानी वाइफ सनी देओल और अमीषा पटेल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, एंड ये मूवी वन ऑफ द फेवरेट थी मेरी, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा मूवी देख के। तो ऑफकोर्स इस पर बहुत ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, 32 मिलियन व्यूज़ हैं, तो इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए यार, राइट? एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे यूज़ करें गाने में, मतलब मॉडर्न के साथ साथ मतलब उसको प्रोसेसिंग और अच्छी करके और क्लियर आ रही है वॉइस, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेस लग रहा है सॉन्ग, और वो ओरिजिनलिटी भी मेंटेन करके रखी है थ्रू आउट द सॉन्ग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। अब अलका याग्निक जी का पार्ट सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो भी सुनेंगे बिल्कुल मूवी आने पर। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट ऊर्जा काले कावा, और आप लोगों को गाना कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और ये रिएक्शन भी कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा गाइस। सो इसी के साथ करते हैं इस रिएक्शन को, एंड सबसे पहले तो यार जाने से पहले अगर रिएक्शन पसंद आया, और अगर ये गाना ही पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर कोई आप लोगों के पास गाना हो जिसका भी आप जिसका कि आप रिएक्शन चाहते हो कि मैं करूं, तो वो भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, आप उसका लिंक मुझे दे सकते हैं, मैं देखूंगा और आप लोगों के वीडियो पे रिएक्ट करूंगा। सो जल्दी मिलते हैं गाइस न्यू रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड जल्दी मिलते हैं न्यू रिएक्शन में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।